Welcome back in this session, friends. Is AWS EC2 instance launch type. So हम EC2 instance launch करते हैं तब basically बहुत सारे instance launching के types AWS provide करता है. तो कौन से type का instance अपने को launch करना चाहिए और हर launching type instance का क्या use case है तो वो समझते हैं. So launching in type of instance अलग-अलग है, जैसे कि on demand instance है, reserve instance है, spot instance है, dedicated host है, dedicated instance है. तो ये सारे launching type instance है, उसके अलग-अलग specific purpose है, तो वो purpose के लिए use होते हैं. तो वो समझते हैं कि सारे अलग-अलग instance launch type का क्या मतलब है. तो पहला जो है कि on demand instance type. तो on demand instance type let you pay for the compute capacity by the hourly or second that with no long term commitment. So basically on demand instance basically wo hourly matlab har ghante aur second matlab minimum 60 seconds ke based on commitment ke hisab se aapko milta hai. And on demand instance short term workload ke liye use hota hai ki aapka workload very short means short ho. एंड बेसिकली आपको पता हो कि आपका कितना प्राइस इन्वेस्ट करना है, तो आप उसको प्रिडिक्टेबल प्राइसिंग कर सकते हो, क्योंकि ऑन डिमांड का प्राइस जो है वो थोड़ा ज्यादा है कंपैरेटिवली दूसरे इंस्टेंस टाइप के हिसाब से. पर वो ज्यादा इसलिए कि आपको अपफ्रंट पेमेंट नहीं करना पड़ता, कि आपको अभी कोई पेमेंट नहीं करना. आप जैसे यूज करो उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना है, तो मतलब पे व्हाट यू यूज, जो आप यूज करो उसके हिसाब से पेमेंट करना है एंड कोई अपफ्रंट पेमेंट नहीं करना. सो ऑन डिमांड का जो मेन पर्पज है शॉर्ट टर्म वर्कलोड, predictable pricing, pay what you use and no upfront payment. So next instance type hai reserve instance. So reserve instance kyu use hota hai to wo samajhte hai. Reserve instance provide with you significant discount that's comparatively very high on on demand, and you have the flexibility to change the families on OS type. So basically reserve instance kya hai ki aapko reserve kar rahe ho apna instance बट लॉन्ग टर्म के लिए. तो कमिटमेंट आपको देना पड़ेगा कि जो मिनिमम 1 year to 3 years का रहता है, एंड आपको चूज करना पड़ेगा कौन से टाइप ऑफ इंस्टेंस आपको रिजर्व करना है. तो रिजर्व इंस्टेंस बिजली डिस्काउंटेड प्राइस रहता है, मतलब आपको डिस्काउंट मीन्स कि ऑन डिमांड प्राइस के हिसाब से रिजर्व इंस्टेंस का प्राइस बहुत ही कम रहता है, मतलब अप टू 75% कम रहता है. बट आपको इसको अपफ्रंट पेमेंट देना पड़ता है. अपफ्रंट पेमेंट मीन्स यू हैव टू पे इमिडिएटली बिफोर यूज. सो बेसिकली रिजर्व इंस्टेंस लॉन्ग टर्म यूज केस के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म वर्कलोड के लिए यूज होता है. एंड रिजर्व इंस्टेंस तीन अलग अलग टाइप के होते हैं, जो मतलब डिफॉल्ट जो बोल रहे कि वो स्टैंडर्ड इंस्टेंस टाइप है. कन्वर्टेबल रिजर्व इंस्टेंस मीन्स कि आपको फ्यूचर में चेंज करना है इंस्टेंस टाइप, जैसे कि C5 लार्ज है तो लार्ज से मुझे एक्स लार्ज करना है और 2x लार्ज करना है, तो आप कर सकते हो. बट उसके अंदर डिस्काउंट थोड़ा कम हो जाता है, अप टू 54% हो जाता है. एंड द नेक्स्ट जो है शेड्यूल. तो शेड्यूल मीन्स कि आपको आपको पता है कि रिजर्व इंस्टेंस ही चाहिए, बट उसके अंदर आपको शेड्यूल का फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि भाई मुझे स्पेसिफिक विंडोज टाइम में मुझे यूज करना है, कि भाई एवरी सैटरडे चाहिए या और मंथली कोई फिक्स डेट के हिसाब से आपको रिजर्व करना है, तो तब आप शेड्यूल रिजर्व इंस्टेंस यूज कर सकते हो. सो नेक्स्ट इंस्टेंस टाइप है वो स्पॉट इंस्टेंस टाइप है. So spot instance type basically Amazon EC2 spot instance type let you take advantage of unused EC2 capacity in AWS cloud, and spot instance are available at up to 90% discount comparatively on demand. So basically spot instance क्या है, मतलब जो cloud के अंदर कुछ ऐसी कुछ ऐसे service है जो unused पड़े, जो मतलब unused है मतलब specific time के लिए, तो तब आप वो AWS उसको फ्लेक्सिबिलिटी में यूज किए, जिसको स्पॉट इंस्टेंस बोलते हैं. बट जब स्पॉट इंस्टेंस आपको यूज करना है तो आपको बिडिंग करना पड़ता है, प्राइसिंग बिडिंग करना है, तो स्पेसिफिक बिडिंग के अंदर जिसका प्राइस हाई होगा उसको स्पॉट इंस्टेंस मिलता है. बट स्पॉट इंस्टेंस का प्राइस बहुत ही कम होता है कंपेरेटिवली ऑन डिमांड. सो बट स्पॉट इंस्टेंस में एक प्रॉब्लम है कि आप उसको वेरी शॉर्ट टर्म वर्कलोड के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि कोई दूसरा बंदा आपसे ज्यादा बिड कर देगा तो उसको वो इंस्टेंस मिल जाएगा, और आपको 2 मिनट के लिए नोटिफिकेशन आएगा और 2 मिनट में आपको डेटा सेव करना पड़ेगा. तो बेसिकली स्पॉट इंस्टेंस का यूज केस क्या है कि आपको कोई POC रिलेटेड काम करना है, जहाँ पे कुछ आपको चेक करना है, कुछ शॉर्ट टर्म एनालिसिस करना है, तो ऐसे छोटे छोटे यूज केस के लिए आप स्पॉट इंस्टेंस यूज कर सकते हो. बट आपका सर्वर कमिटमेंट है उसमें आप ये यूज नहीं कर सकते. दूसरा क्या है कि आपको इंस्टेंस लूज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, इसलिए ऐसे कमिटमेंट वाले वर्कलोड यहाँ पे यूज करने नहीं चाहिए.
नेक्स्ट है डेडिकेटेड होस्ट। डेडिकेटेड होस्ट क्या है कि फिजिकल सर्वर आपको डेडिकेटेडली असाइन करते हैं। डेडिकेटेड होस्ट बेसिकली कंप्लायंस रिक्वायरमेंट के लिए यूज होता है, जहां पे आपके पास ऑलरेडी कोई लाइसेंस है उसको यूज करना है तो आपको यूज कर सकते, बिकॉज हार्डवेयर और सॉकेट जो टाइप रहता है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से आप अपना खुद का लाइसेंस यहाँ पे यूज कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे आपका लाइसेंसिंग का कॉस्ट बच जाता है एंड आपको पूरा सर्वर आपको मिलता है। तो नेक्स्ट है डेडिकेटेड इंस्टेंस। डेडिकेटेड इंस्टेंस क्या है कि डेडिकेटेड इंस्टेंस पूरा सर्वर आपको डेडिकेटेडली रहता है, इसके ऊपर जितने भी EC2 इंस्टेंस लॉन्च होते हैं वो आपको ही मिलेंगे, किसी और को नहीं मिलेंगे, पूरा हार्डवेयर आपके होता है। बट आपको कोई दूसरा इंस्टेंस लॉन्च करना है बट सेम अकाउंट में आपको वो मिल सकता है, दूसरे के अकाउंट में वो इंस्टेंस नहीं मिल सकता। मतलब कि एक हार्डवेयर है जो आपको डेडिकेटेडली असाइन हुआ है और आप ही यूज कर सकते हो, और जितने भी इंस्टेंस उस पर लॉन्च हुए होंगे वो आपके अकाउंट से ही डिराइव हुए होंगे। सो ये सारे इंस्टेंस हमने समझ लिए कि डेडिकेटेड होस्ट है, डेडिकेटेड इंस्टेंस है, स्पॉट इंस्टेंस है, रिजर्व इंस्टेंस है, ऑन डिमांड इंस्टेंस है। तो हमको कौन सा यूज करना है वो समझना है। तो आप देखो समझ सकते हो कि ऑन डिमांड में आपको अपफ्रंट पेमेंट नहीं करना, रिजर्व इंस्टेंस के अंदर आपको अपफ्रंट पेमेंट करना है, स्पॉट इंस्टेंस के अंदर डेटा लूज होने का प्रोबेबिलिटी है, आपको बीडिंग करना है और 2 मिनट में आपको अगर नोटिफिकेशन आया तो लूज भी हो सकता है। डेडिकेटेड इंस्टेंस थोड़ा हाई है क्योंकि वो डेडिकेटेडली पूरा सर्वर आपको असाइन करते हैं, इंस्टेंस एंड होस्ट के अंदर आपको हार्डवेयर असाइन करते हैं, तो बेसिकली हम अपने यूज केस के लिए ऑन डिमांड परफेक्टली फिट होता है। सो अपने जितने भी यूज केस है सेशन के अंदर हम ऑन डिमांड ही यूज करेंगे।